एस so, हमने जीज देखे थे राइट एस डी जी क्या है कैसे चल रहा है ये सब के बारे में देखा था सो सो बेसिकली ओके होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको इज इट इज इट व्यूएबल आप देख पा रहे हो राइट ओके यस Yes, somebody has keep kept their uh, voice open. Um, let me check whose that is. Yeah, please mute your vo uh, voice. Okay. So, um, uh, we have completed SDGs finally. So there are seventeen SDGs goal that we have seen. जो यूनाइटेड नेशंस ने हमारे सामने रखे और uh, हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी है इकोनॉमी डजेंट मीन ओनली मनी या मनी इज इम्पॉर्टेंट पैसा इंपॉर्टेंट है पैसा खूब खूब जास्त महत्व है पैसा हा एक फैक्टर नहीं है जो तुम्हार लाइफ सा उपयोगी है इट्स नॉट द मनी ओनली दैट विल हेल्प यू ग्रो सो हमें और भी एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं

इकोनॉमिक्स की ये मतलब वो तो पढ़नी ही है theories, मैंने आपको पहले लेक्चर से ये बताया है कि जो भी आपके नॉर्मल लाइफ में हो रहा है दैट इज इकोनॉमिक्स क्योंकि हर बार पैसे से आप जुड़ जाते हो आपके डेवलपमेंट से आपके लाइफ से ह्यूमन डेवलपमेंट से डेवलपमेंटल वेरी क्यूट का आज की हमारी कंडीशन ओके दो इट इज मोर टॉकिंग अबाउट होम लाइक हैविंग टेलीविजन एज योअर टीचर एंड ये जो छोटा बच्चा उसको क्वेश्चन है हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल स्मिथन सोनियमिथ सोनियन चैनल साइंस चैनल बायोग्राफी चैनल डैश 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 लेकिन स्कूल इज इंटरफियरिंग विथ माई एजुकेशन तो so, ये जो टेलीविजन पे ऑल द चैनल्स अवेलेबल है वो तो मैं मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली ये जो स्कूल है वो मेरे एजुकेशन टाइम जो है टेलीविजन पर देखकर मेरा जो एजुकेशन बढ़ रहा है उसके साथ इंटरफियर कर रहा है तो अगर आप इसको देखे आज के नजरिए से तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक आपका बहुत सारा टाइम आपके फोन पे टैबलेट पे लैपटॉप पे गुजर रहा है आपके कॉलेज वहां पर होता है आपका क्लासेस अगर है वो वहां पर होते है, आपके और कुछ एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज पर होते है, और सोशल मीडिया तो हमारा जैसे नया वाला सास है राइट सो so, आपला श्वास है सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम स्नॅपचॅट व्हॉट इट इज व्हाट्सअप सो सो हे सगळं आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचं ज्ञान देत असतं राईट व्हॉट्सअपला तर आपला, आपला सगळ्यात मोठा शिक्षक म्हणला पाहिजे तसं म्हणताना न कॉल सोशल मीडिया ऑल दो यूट्यूब चैनल टीचर लेकिन हमारे जो कॉलेज के लेक्चर्स हो रहे हैं दे माइट बी इंटरफियरिंग वो इंटरफियर कर रहे हो गए शायद आपके एजुकेशन एजेंडा में जो आपको मोबाइल से मिल रहा है लेकिन इन अ ब्रॉड परस्पेक्टिव या फिर वेरी ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड में एजुकेशन हैज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस इन यूर लाइफ क्योंकि एजुकेशन की वजह से अगर वो नहीं है तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इलिटरेसी तो है ही या ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं लेकिन अगर एजुकेशन है तो तो यही सारे प्रॉब्लम लाइक कहीं के कहीं जा जाता है आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे शिक्षण फार, फार फार महत्व है शिक्षण हे तुम्हारे जगने का पाया बनता અને મેં કીધું કે એકદમ ફિલોસોફિકલ વગેરે वाटેલ કીવા યુ મIGHT થિંક અરે ક્યા યાર બોરિંગ લગા રખા હે લેકિન જૈસે હી આપ આગે દેખતે જાઓગે આપને જો હજ તક એજ્યુકેશન કે બારે મે સુના હે પઢા હે સોચા હે અપને દિમાગ મે વો સિર્ફ આપકે ખુદ કે એજ્યુકેશન કે બારે મે يا ફિર વો સિર્ફ આપકી ક્લાસિસ આપકી રૂટીન ઇસકે બારે મે લેકિન એજ્યુકેશન હેઝ અ હોલ સિસ્ટમ ડિફાઇન્ડ ફોર ફોર બેટરમેન્ટ ફોર इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एजुकेशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है फर्स्टली यू स्टूडेंट्स वी टीचर्स प्रिंसिपल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ये हो गए चार जो स्कूल के अंडर रहते हैं अंदर रहते हैं अंडर द वन रूफ आते हैं फिर उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी जो स्कूल्स कॉलेजेस को संभालती है उसके बाद आता है गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत नगर पंचायत महानगर पालिका नगर पालिका ओके okay? उसके बाद आता है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट दैट इज राज्य सरकार देन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज केंद्र सरकार और उसके बाद भी आता है अगर आप इंटरनेशनली एजुकेटेड हो या फिर इंटरनेशनली एजुकेशन एजुकेशनल और एकेडमिक्स में हो एजुकेशनल एक्टिविटीज में हो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा देन कम्स लॉज जो स्टेट या फिर सेंट्रल uh, गवर्नमेंट बनाती है तो ये सारा अंडर द एजुकेशन रूफ आता है और इसके पीछे क्या है डेफिनेटली एजुकेशन का मोटिव तो है लेकिन पैसे का भी मोटिव है ओके okay? विदाउट पैसा देर विल बी नथिंग सो लेट्स सी कि एक्चुअली हम एजुकेशन में क्या देखने वाला है और आपको पता चलेगा कि हम एक एक जो सेक्टर देखने वाले इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सो पहले हम एजुकेशन के बारे में देखते हैं आज लेट्स स्टार्ट सो व्हाट इज एजुकेशन आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक बेसिक क्वेश्चन दैट वी वी आर गोइंग टू आंसर एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट जनरल सेंस बहुत सारे जनरली जो हम बोल सकते हैं ऐसे सेंस में हम बोल सकते हैं इज द मीन्स थ्रू विच ये ऐसे मीन्स है ये ऐसे साहित्य है थ्रू विच द एम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल पीपल लाइव ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट मतलब एम्स हैबिट्स सबके लाइफ के, के फुलफिल करने के लिए जो एक जनरेशन से आगे वाले जनरेशन में ज्ञान दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन ओके जनरली

कस्टम्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू दर मतलब एजुकेशन एक ऐसा टेक्निकल सिस्टम है जिससे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपना नॉलेज डेफिनेटली ज्ञान स्किल्स मतलब आपके आपके जो गुण हैं आपके अंदर जो भी आ आपके फीचर्स है जो अच्छे के लिए हेल्पफुल होता है वो कस्टम्स मतलब आपके ट्रेडिशन आप क्या फॉलो कर रहे हो और वैल्यूज एथिक्स मोरालिटी कैसे बिहेव करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए ये सबके बारे में एक जनरेशन जब दूसरे जनरेशन को वेरी सिस्टमैटिकल मेथड में जैसे कि क्लास में आना घर में आपकी माँ आपके पापा आपको जो नॉलेज देते हैं वो बड़े बुजुर्ग जो आपको बोलते हैं वो ये सब जो नॉलेज आपको मिलता है दैट इज सिंपली द एजुकेशन एंड वॉट इज द एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल जो आपको स्कूल में कॉलेजेस में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का पिक्चर आ रहा है नालंदा इज लाइक एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बहुत पुरानी वाली यूनिवर्सिटी थी आज इतनी ज्यादा um, मतलब प्रचलित नहीं है लेकिन पहले पहले विदेश से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए तो नालंदा देन देर इज वन अनदर कॉल्ड तक्षशिला। तो ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ थी ये बहुत बड़ी थी बहुत टाइप का बहुत टाइप्स की पढ़ाई होती थी यहाँ पर सिर्फ इंडियन नॉलेज ही नहीं बाकी सारे रिलीजन्स का उनके तत्वज्ञान का मतलब फिलोसॉफी का इकोनॉमिक्स का Uh, आपके अकाउंटिंग का एव एनी एंड एवरीथिंग यू थिंक एज अ सब्जेक्ट कला क्रीडा सभी सभी टाइप के सब्जेक्ट्स दे वेर दे वेर बी लर्निंग हियर स्टूडेंट्स वेर लर्निंग इट हियर ऐसा बोला जाता है कि नालंदा के नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी आज आप ये सब भगना दिख रहे हैं जो टूटा फूटा है यहाँ पर लेकिन पहले नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब कोई परकीय आक्रमण हुए हमारे यहाँ मतलब जब कोई शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया तब तब ये जो लाइब्रेरी वो जलाई गई थी क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि अगर किसी कंट्री को अगर किसी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना हो पहले उनके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो इवन द ब्रिटिश पीपल हु इंडिया दे वेर दे वेर गिविंग अस एजुकेशन इन अ फॉर्म लेकिन वो एजुकेशन इसलिए था कि उनके भाषा का हमें ज्ञान हो और उनके एडमिनिस्ट्रेशन क्लेरिकल काम करने के लिए हमें हेल्प मिले तो उनको भी हेल्प मिले और हमें लगे कि हम एजुकेट हो रहे हैं सो दैट्स वाई दे स्टार्टेड गिविंग अस नॉलेज ओनली दैट नॉलेज दैट वी कैन यूज फॉर क्लेरिकल वर्क क्लार्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये सब काम करने के लिए जो यूजफुल रहे वही एजुकेशन हमें पहले मिलता था इन द ब्रिटिश एरा लेकिन जब ही हम नालंदा के बारे में बात कर रहे हैं तो जब वे आक्रमण हुए तो उसकी लाइब्रेरी जलाई गई पूरे के पूरे इतने बुक्स थे एंशियंट एंशियंट बुक्स जो हमने कभी देखे नहीं है सोचे नहीं है इसमें बहुत ज्यादा संशोधन की रिसर्च की किताबें थी जो हमने बहुत सालों से लाइक प्राचीन समय से की है तो ये कुछ सालों तक जलता रहा उस उसकी लाइब्रेरी मतलब कुछ महीने नहीं कुछ दिन नहीं कुछ घंटे नहीं जब आग लगी तो सालों तक आग चलती रही जस्ट द लाइब्रेरी एंड दैट्स हाउ वी लॉस्ट अवर सो मेनी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ओके इज देर एनीबडी वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग दे थिंक अबाउट एजुकेशन और दे थिंक अबाउट नॉलेज अगर किसी को मराठी इंग्लिश हिंदी किसी की भाषा में कुछ शेयर करना है एजुकेशन के बारे में जस्ट लेट मी नो

यूनिवर्सिटीज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थे चार के नाम आपको दिए है नालंदा तक्षशिला उज्जैन एंड विक्रमशिला आर्ट आर्किटेक्चर पेंटिंग लॉजिक ग्रामर फिलॉसॉफी एस्ट्रोनॉमी लिटरेचर बुद्धिज्म हिंदुइज्म अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स लॉ एंड मेडिसिन बहुत सारे थे बिलीव मी ये सब जो मैंने मैंने खुद से नहीं लिखा है ओके okay? ये कुछ स्लाइड जैसे हैं जो मैंने कहीं से बोरो किए हैं। एंड आई एम थैंकिंग फॉर देम बिकॉज उनकी वजह से मैं डायरेक्टली आपको ये बता पा रही हूँ लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखो क्या बड़ा स्पेक्ट है जिसका जिसकी पढ़ाई होती थी आर्ट है आर्किटेक्चर है साइंस है लॉजिक जो बहुत ही बड़ा और उम्दा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए ग्रामर है फिलॉसफी है एस्ट्रोनॉमी मतलब आप जो अंतराल का शास्त्र है स्पेस नॉलेज वी कैन टॉक इट एरोनॉटिक्स के बारे में देन लिटरेचर बुदधिज्म हिंदुइज्म अर्थशास्त्र एंड ये तो बहुत सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए बहुत सारे सब्जेक्ट है सो तक्षशिला स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ मेडिसिन तो तक्षशिला में ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता था मेडिसिन मेडिकल स्टडीज उज्जैन लेड एम्फोसिस ऑन एस्ट्रोनॉमी उज्जैन में एस्ट्रोनॉमी दैट इज जलापण अपन अंतरा ज्ञान सो so, उसके बारे में हम पढ़ते थे नालंदा बींग द बिगेस्ट सेंटर हैंडल्ड ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड उस्ड अपू टेन थाउजेंड स्टूडेंट एट इट स्पीक उस टाइम जब पॉपुलेशन इतना छोटा था वर्ल्ड का तब इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में दस हजार स्टूडेंट पढ़ रहे थे कैन यू थिंक ए ह्यूज नंबर फॉर दैट टाइम वहां पर तब तो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी मिलियंस में आती थी अब तो बिलियंस में आती है सो एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया जब से इंडिया तो बीच वाला हिस्ट्री हमें देखनी ही है हम तो हिस्ट्री क्लास में नहीं है अभी तो हम क्या करेंगे हम थोड़ा आगे जाएंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वातंत्र के बाद हमारा कैसा एजुकेशन एरा रहा है उसके बारे में देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन बिकेम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट तो ये किसके खाते में जाता है स्टेट्स के एजुकेशन के बारे में किसको ज्यादा ध्यान रखना है लोगों का स्टेट को राज्य सरकार को तो को क्या करना है? को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने और हाइयर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कुछ करना है तो आई आई टीज दे आर लाइक सेंट्रल इनोवेटिव देन आपकी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे वो यूजीसी से आता है तो यूजीसी कमेटी से यूजीसी इज द सेंट्रल बॉडी ओके वो सेंट्रल की कमेटी है तो यूजीसी रिलेटेड यूनिवर्सिटी रिलेटेड ऑल दिस बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूजीसी कमेटी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओके लेकिन जो स्कूल एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन हाइयर हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन या फिर जितने छोटे छोटे भी है के जीज जूनियर के जी सीनियर के जी नर्सरी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल तो ये जो मैंने आपको अभी डिस्टिंग uh, uh, बताया वो कब तक कंटिन्यू रहा नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तक लेकिन उसके बाद अब ये ज्वाइंटली देखा जाता है सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से क्या हुआ बेसिकली देर वॉज वन इम्पोर्टेंट एक्ट दैट दॉज गिवन टू अस अस एज इंडियंस बाय गवर्नमेंट ये कौन सा एक्ट था जिससे एजुकेशन मैंडेटरी किया गया छह साल से लेकर चौदह साल तक सहाव्या वर्षा पास वर्षापर्यंत ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल इन द कंट्री मस्ट एक्वायर एजुकेशन फ्री एजुकेशन एंड दे कांट आउट गो ऑफ स्कूल वो बाहर नहीं जा सकते उनको एजुकेशन लेना ही लेना है ये एक्ट था राइट टू एजुकेशन लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट इन द राइट टू एजुकेशन एजुकेशन इज ऑफन यूज्ड एज अ पैरामीटर टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तो डेवलपमेंट जब कंट्री की नापनी हो काउंट करनी हो कैलकुलेट करनी हो या फिर देखना हो कि आपकी कंट्री कितनी डेवलप हुई है एजुकेशन के बारे में देखा जाता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिटीजन की कैसी है कितनी है ये देखी जाती है इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन दैट मेक्स देम एम्पावर्ड उनको शक्ति देता है या, या फिर उनको हेल्प करता है असिस्ट इन ग्रोथ ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है एनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर दम इंडिविजुअली एज वेल एज फॉर नेशन एज अ होल तो क्या करता है ये बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को हम लोगों को और पूरे नेशंस को भी हाउवेवर दीज बेनिफिट प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ साउंड एजुकेशन सिस्टम ये तभी बेनिफिट्स होंगे जब हमारी एजुकेशन सिस्टम साउंड होगी ओके लेट्स गो फर्दर सो व्हाट इज आरटी दैट इज राइट टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 2002 टू इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन 6 टू 14 इयर्स ऑफ एज एज अ फंडामेंटल राइट बहुत ही बेसिक राइट के बतौर इंडियन एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राज्य घटना राष्ट्र घटना कंस्टिट्यूशन वो बदली गई या फिर उसमें थोड़ा बदलाव लाया गया और उसमें एक एक्ट ऐड कर दिया राइट टू एजुकेशन जिससे सिक्स टू फोर्टीन इयर्स में जो भी बच्चे हैं उन सबको कंपलसरी एजुकेशन मिलना मैंडेटरी हुआ

या फिर ईमेल मेल है क्लासरूम है जस्ट आस्क डों कंप्लीशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन द नेबरहुड स्कूल अपने पास होनी चाहिए स्कूल नेबरहुड स्कूल और ये एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी दो फैक्टर है फ्री एजुकेशन होना चाहिए फीस नहीं होनी चाहिए एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी होना चाहिए उसके साथ ये एजुकेशन कौन से वाले ब्रैकेट में है एलिमेंटरी एजुकेशन दैट इज शायद चौदह साल तक आप हाई एजुकेशन या फिर हाई स्कूल तक एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हो ओके सो मच ऑफ द स्ट्रेंथ एवरी स्टूडेंट शुड गेट फॉर एजुकेशन और फ्रॉम एजुकेशन लेट्स सी द सेकंड एम रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 25 फाइव ऑफ सीट्स by all private schools for children belonging to economically weaker section and disadvantaged group to so, kitna reservation dena hai aise group ke liye 25% ye group kaun sa hai jo economically backward hai economically weaker hai fees नहीं के pay कर पा रहे शायद books नहीं ले पा रहे uniform नहीं ले पा रहे they are disadvantaged मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम्स है और ऐसे ग्रुप्स के लिए कितना मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन दिया गया लेइंग डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू रिलेटिंग रिगार्डिंग प्यूपिल टीचर रेशो दैट इज अ पी टी आर प्यूपिल टीचर रेशो मतलब हम देखने वाले हैं आगे जाकर लेकिन लेट मी गिव यू लिटिल ब्रीफ तो प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर या फिर पीपल एंड टीचर मतलब टीचर सो so, एक टीचर कितने प्यूपिल को कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है इसका रेशो रेशो दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल टीचर रेशो आर यू ओके विथ पी टी आर प्यूपिलीचर रेशो ओके yes. गुड okay. yes. एंड देन बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल वर्किंग डे टीचर वर्किंग आवर्स तो ये सबके बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत माइन्यूट माइन्यूट रूल्स रखे यहाँ पर ओके okay? की कि कितना होना चाहिए प्यूपल टीचर रेशो बिल्डिंग्स कैसे होने चाहिए क्या उसको फेंस uh, होना चाहिए गेट होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए डिफरेंटली एबल पीपल जो रहते हैं जो कुछ चल नहीं पाते किसी को दिखता नहीं है ऐसे लोगों के लिए कैसे रास्ते रास्ते होने चाहिए अः या फिर स्कूल वर्किंग डेज कैसे होनी चाहिए पांच होने चाहिए चार होने चाहिए छह होने चाहिए सात होने चाहिए कैसे होने चाहिए कब ये चेंज होना चाहिए टीचर वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए मतलब एक दिन के लिए एक टीचर कितने लेसन्स लेगा ये सब सब चीजें रिटर्न डाउन है ये कोई अपने मन से नहीं बनाता कि अरे यार मेरा कॉलेज है मुझे लगता है आज आठ घंटे लेते कल सात घंटे लेंगे कल तो छुट्टी दे

किसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं क्या करना पड़ेगा ये सबके बारे में स्पेसिफाई किया गया है और uh, ये करना था थ्रू आर टी दीज आर द एम्स देन प्रोवाइडिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्री अप्रोप अप्रोप्रिएटली ट्रेन एंड क्वालिफाइड टीचर सो थिंक थिंक लाइक दैट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है और अगर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड साइंस टीचर है बहुत बहुत अच्छे वाले टीचर है लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं लेकिन पीएचडी है डॉक्टरेट मिली है और आपके सामने पढ़ाने के लिए आए तो क्या आ, आपको वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली ही कांट और शी कांट लेकिन अगर मैं किसी साइंस के स्टूडेंट को आज टाइट्रेशन uh, के बारे, बारे में पढ़ाने जाऊं शायद मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊ क्योंकि हमने वो नाइन्थ में पढ़ा है टेंथ में पढ़ा है लेकिन बींग कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मे बी आई एम नॉट द पर्सन हु शुड टीच देम हुम अबाउट हाउ वी कैन प्रोसीड थ्रू दिस साइंटिफिक एजुकेशन आपको समझ में आ रहा है तो एक्चुअली उसके लिए क्या कैसे टीचर होने से चाहिए उसका स्पेशलाइजेशन कैसे होने चाहिए ये सबके बारे में मैंटरीली उनको बताया गया क्वालिफाइड टीचर्स लेने के लिए मैंनेडेट किया गया दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है अगर आप डिफरेंटली हो आप बोल नहीं पा रहे हो या फिर सुन नहीं पा रहे हो तो जैसे कि अभी मेरा लेक्चर चल रहा है तो जो 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 स्टूडेंट सुन नहीं पाता वो क्या करेगा वो सिर्फ मेरे हाथ देखेगा मेरे आंख देखेगा लेकिन उसको कुछ सुना ही नहीं देगा राइट वो कुछ समझ नहीं पाएगा तो ऐसे लिए विजुअल इफेक्ट्स वाले कुछ टूल्स बनाना या फिर ऐसे टीचर्स को अपॉइंट uh, करना जो ब्लाइंड uh, लोगों की शल ब्रेल लैंग्वेज ब्रेल रहती है तो उसके बारे में पढ़े उसके बारे में सोचे उसको पढ़ाए या फिर जो डेफ uh, स्टूडेंट है तो उनके लिए साइन लैंग्वेज रहती है तो उनको साइन लैंग्वेज पता हो सिंपल आप देख सकते हो अगर आप ये दापोली में जो मुख्यधिर विद्यालय है तो वहां पर मैं जाकर नहीं पढ़ा पाऊंगी या फिर मैं जो पढ़ाऊंगी शायद उनको समझ में ना आए तो उनके लिए वो स्पेशलाइज टीचर रहते हैं और ऐसे टीचर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है उनको स्कूल्स में जाना मैंडेटरी रहता है शायद हफ्ते में कुछ घंटे उनके लिए अलग से रखे हुए होते हैं और उनको वो स्कूल्स में जाना पड़ता है और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है एंड देन देन लास्ट वन इज नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल इज हेल्ड बैक

तो आर टी राइट टू एजुकेशन के फीचर्स आते हैं दे आर द फोर इम्पोर्टेंट फीचर्स लेट्स टॉक अबाउट दर्स्ट इज एक्सेबिलिटी सेकेंड इज अवेलेबिलिटी थर्ड इज एक्सेप्टेबिलिटी एंड फोर्थ इज एडेप्टेबिलिटी चार ए है लर्न uh, करने के लिए याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है पहले कौन सा है एक्सेसिबिलिटी फिर अवेलेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी क्या हो? हम एक एक के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे ओके सो लेट्स गो सो फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी इट मीन्स डेट Is the responsibility of a government to ensure that education is available to everyone. Subco education India girl, boy, any gender, any caste, any religion, any any background from the society, he or she must acquire education. For this, it should ensure that.

फाइव किलोमीटर के दायरे में पांच किलोमीटर के ही अंदर स्कूल होना चाहिए उसके आगे स्कूल नहीं होना चाहिए तो पांच किलोमीटर में उसको स्कूल का मतलब उसकी जगह होनी चाहिए अगर ऐसे नहीं है क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि घर आपके दूर है तो उसको नहीं मिलता तो वो स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली स्कूल को स्कूल को आने जाने के लिए बस uh, होनी चाहिए या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देनी चाहिए फ्रॉम द स्कूल स्कूल को ये सब डिटरमाइन करना पड़ता है ओके आर यू ओके विथ अवेलेबिलिटी लेट्स गो फर्दर फॉर द एक्सेसिबिलिटी अगर आपको कुछ भी कुछ भी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है या फिर डिफिकल्टी है प्लीज आस्क ओके सो वॉट इज एक्सेसिबिलिटी द गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज

फ्री एजुकेशन देना है और कंपलसरी एजुकेशन देना है ये दो फैक्टर के हिसाब से आपको चलना है जस्ट गिव मी मिनट ओके ओके सो होपफुली ये एक्सेसिबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो भी एजुकेशन देना है चिल्ड्रन के लिए वो कंपलसरी होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए किसी भी बच्चे से जो सिक्स टू फोर्टीन इयर्स के अंडर आता है उसको कभी भी पैसे देने की जरूरी नहीं होनी चाहिए अब आप पूछ सकते हो कि आप जिस भी स्कूल में हो आप जिस भी शायद आपके कुछ फ्रेंड्स या फिर आपके कुछ uh, okay? uh, तो कजिन में है भी तो क्या हो सकता है कि उनको फीस देना पड़ रहा है लेकिन ये फीस क्या वो प्राइवेट स्कूल में है मतलब क्या ये स्कूल प्राइवेट बॉडी चला रहा है जैसे कि दापुली एजुकेशन सोसाइटी या फिर वराड़कर Um, uh, वराडकर कॉलेज जैसे और बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल है जो प्राइवेट एजुकेशन कमेटी चलाती है लेकिन जो भी स्कूल्स या फिर जो बेसिकली स्कूल्स बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एलिमेंट्री स्कूल्स जो गवर्नमेंट चलाती है जैसे जिला परिषद के श, uh, स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय के स्कूल तो ये सब जो भी स्कूल्स है उनका एक्सेस उनको फीस नहीं रहती उनको फ्री बुक्स मिलते हैं उनको यूनिफॉर्म्स फ्री मिलते हैं तो ये सब They come under RT Act, okay? Right to education. Let's talk further. Yeah. So now we are talking about uh, basically, yeah, we are talking about acceptability. So, acceptability, kya hai? <coughs> Please stop chatting with me, okay? Otherwise, I will not be able to concentrate on your work. But yeah, if you have really doubt, just you can ask me. Uh, yeah, sure. I, I will repeat it. Yes, Nabil. So let's see the last point, okay? Last point, Kya tha? Last point tha, accessibility. Hopefully, ek to availability tha. school or che, uh, teachers sub-student ko available hone and acceptability a point. Tha. कि यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या है सबको फ्री एजुकेशन देना है जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंडर आते हैं एलिमेंटरी स्कूल तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के अंडर जो चिल्ड्रन है उनको और इनका एक्सेस सिक्योर करना है एक्सेस सिक्योर करना मतलब उनको आने के लिए पूरा का पूरा फ्री एक्सेस देना उनको आने के लिए इनवाइट करना सो so, किसी को भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे आई एम नॉट इनवाइटेड टू स्कूल मुझे स्कूल में एक्सेस नहीं मिल रहा है ओके होपफुली ये समझ में आ रहा है आपको इज दैट uh, आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हुई है ओके डू आस्क इफ हैव एनी डिफिकल्टी सो लेट्स सी इज द एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी मतलब एक्सेप्ट करना राइट इट से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल्स मतलब कितनी क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है ये डील करता है ये एक्सेप्टेबिलिटी वाला पॉइंट कि अच्छे से अच्छे मिलना चाहिए जो भी प्राइवेट में बहुत ज्यादा फीस देकर स्कूल्स में मिल रहा है उतना ही अच्छा एजुकेशन उतनी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन सरकारी स्कूल्स में मिलना चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एज वेल एज क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स नीड टू बी सेट एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट तो मिनिमम स्टैंडर्ड का हेल्थ एंड सेफ्टी हेल्थ कैसी होनी चाहिए मतलब हर स्कूल में सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए टॉयलेट होने चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए बहुत बार ऐसे होता है कि गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं बनवाया जाता या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि गर्ल्स के लिए टॉयलेट बनवाया जाता है लेकिन बॉयज के लिए क्यों टॉयलेट बनवाया वो कहीं भी जा सकता है ऐसा एक एटीट्यूड रहता है विच इज अ वेरी बैड एटीट्यूड फॉर हेल्थ तो ऐसे वाले एटीट्यूड नहीं रहने चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन ही करना चाहिए देन एज वेल एज क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स नीड टू बी सेट तो टीचर्स को भी क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए कोई भी आए सिखाना शुरू कर दे ऐसा कर सकता है क्या नहीं उनको उनकी उनकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए तो अगर आपको पता है आजकल टेट नाम की एग्जाम होती है टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट तो अगर आपको टीचर बनना है एलिमेंट्री स्कूल में भी तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और उसके बाद ही आप टीचर बन पाते हो ओके एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट तो ये सब रूल uh, मतलब किन को uh, किसको एनफोर्स करने किसको आप पर डालने हैं और देखना है कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं तो ये गवर्नमेंट को करना है तो क्या होना चाहिए आपको मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखने जैसे कि स्कूल्स के बाहर फेंस होना ही चाहिए किसी भी लड़की को या लड़के को बाहर जाने की इजाजत नहीं है जब तक स्कूल चल रहा है ओके देन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स शुड बी सेट कि कितना होना चाहिए एंड ये सब रूल्स गवर्नमेंट को एनफोर्स करने देन ऑल्सो इट कॉल्स फॉर द नीड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी इन द स्टूडेंट पॉपुलेशन डायवर्सिटी का मतलब क्या है कोई एक स्टूडेंट है जो आदिवासी है कोई वन से आ रहा है कोई एक स्टूडेंट है जो अलग अलग रीजन से आ रहा है और कोई एक स्टूडेंट है जिनके रिलीजन अलग है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है कोई भी रिलीजन लो, तो स्कूल में आने के बाद वो सबके सब स्टूडेंट्स सब है नो बडी इज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन रीजन कास्ट क्रीड और एनीथिंग दे आर ऑल स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं और हमें उनको पढ़ाना है बस ये ही एम अपने हाथ में रखना है ओके okay? मुझे पता है एक मिनट से कम वक्त बचा है तो हम इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करने वाले हैं राइट सो लेट्स स्टॉप हियर सो दैट मेरा पॉइंट खत्म ना खत्म होने के बाद ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और हम फिर से यही लिंक ज्वाइन करते हैं होपफुली यू विल बी ओके विद ओके लेट्स स्टॉप इट हियर हम्म लेट्स ज्वाइन इट हम्म आई द मीटिंग Let's join. There are 34 particip participants I am see or seeing. Let's join them again. Okay.